नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफर में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है माता चिंतपूर्णी मंदिर से माता बगलामुखी मंदिर तक रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, कहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कहां से आपको राइट टर्न लेना है, इन सब के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैसी है माता बगलामुखी मंदिर में कार पार्किंग व्यवस्था, क्यों होता है माता बगलामुखी के मंदिर में सब कुछ पीला ही पीला, तो चलो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। माता चिंतपूर्णी मंदिर से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी है वो है 33 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 45 से 50 मिनट के बीच में रहता है। अगर आप यही सफ़र बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि जो बस है काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेजेस पर रुकती है। और इस समय तक हमने माता चिंतपूर्णी टाउन को क्रॉस कर लिया है और जहाँ पहुँच कर हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड में टर्न माता बगलामुखी मंदिर की ओर जाने के लिए। अगर आप गूगल मैप पर माता बगलामुखी मंदिर लिखकर सर्च करते हैं तो आपको जो सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें माता बगलामुखी का जो मंदिर है जहाँ पे हम जा रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए पहले आप गूगल मैप पर जाएं, वहाँ पर टाइप करें माता बगलामुखी टेम्पल बानखंडी कांगड़ा। अब आपको जो सर्च रिजल्ट दिखाई देगा उसको आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप गूगल मैप को फॉलो करते हुए माता बगलामुखी के मंदिर पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आपको शक्तिपीठ ज्वाला माता मंदिर की ओर जाना है तो सेम रास्ता ही है जो ज्वाला माता मंदिर की ओर भी जाता है। इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे 503 के ऊपर और इस रास्ते को ज्वालाजी मार्ग और चंडीगढ़ चिंतपूर्णी धर्मशाला रोड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को पहली बार पहाड़ी इलाके में लेकर आए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी को स्लो स्पीड पर ड्राइव करें और गाड़ी को छोटे गियर्स में ही ड्राइव करें, इससे गाड़ी की पिकअप और आपका गाड़ी पर कंट्रोल बना रहता है। अगर मैं जहाँ की रोड कंडीशन की बात करूँ तो जहाँ पर रोड कंडीशन जो है बहुत ही बढ़िया है, आप अपनी गाड़ी को जहाँ पर इजीली ड्राइव कर सकते हैं। हमने इस रोड ट्रिप की शुरुआत की थी होशियारपुर शहर से। इससे पिछले ब्लॉग में हम आपको लेकर आए थे होशियारपुर से माता चिंतपूर्णी मंदिर तक। उस वीडियो में मैंने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में बताया था। अगर आप होशियारपुर से माता चिंतपूर्णी मंदिर तक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं बिलच चलाली के पास और इस जगह से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है 28 किलोमीटर। अभी हमें टाउन चिंतपूर्णी से चले हुए सिर्फ 10 मिनट का समय हुआ है और हमें अभी तक 3 बसेस मिल चुकी हैं जो कि चंडीगढ़ से चिंतपूर्णी को आई हैं। अभी हमारे रास्ते में आया है बिलच पक्का भरो, जो कि एक छोटा सा गाँव है, कुछ ही घर हैं जहाँ पर जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। हमने अपनी गाड़ी को रोककर जहाँ पर कुछ व्यू कैप्चर किए हैं आपके लिए। जहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी शांत है, रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत और शायदार पेड़ हैं और मैं इस रास्ते पर ड्राइव करने का पूरा मज़ा उठा रहा हूँ। इस समय पहाड़ी इलाके में ड्राइव करते हुए सिर्फ एक कंस्टेंट रहता है कि जहाँ पर जो रास्ता होता है थोड़ा कम चौड़ा होता है। इस समय हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है अपनी रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। अगर आप चाहें तो जहाँ पर रुककर अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इस छोटे से रास्ते में काफ़ी जगह पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट आते हैं, फौजी चाचेदा ढाबा और इसके बाद आएगा आपके रास्ते में चौहान भोजनालय और इसके बाद आपके रास्ते में आएगा शिव शक्ति ढाबा। आप चाहें तो इन ढाबों पर रुककर अपने बजट के हिसाब से जहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में काफ़ी सारे मैगी पॉइंट, छोटे छोटे टी स्टॉल पॉइंट भी हैं जो हैं श्रद्धालु बगलामुखी मंदिर के, इन्होंने पीले वस्त्र डाले हुए हैं। इस समय तक हमने 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और इस जगह से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है 22 किलोमीटर। इसके बाद जो अगला स्टेशन है वो है दलियारा और उसकी दूरी है सिर्फ 3 किलोमीटर। अभी तक हमने जितना भी रास्ता कवर किया है तो हमें रोड कंडीशन जहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिली है और इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है नॉर्मल है। जहाँ पर ब्लाइंड कर्व्स हो वहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले तो आप ऐसे कर्व्स पर अपनी गाड़ी को इजीली ड्राइव कर पाएंगे। इस समय हम पहुँच गए हैं दलियारा टाउन में और जहाँ से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 19 किलोमीटर। जैसे ही आप दलियारा टाउन को क्रॉस करते हैं तो इसके बाद जो आपको अगला 6 किलोमीटर का रास्ता मिलेगा वहाँ पर बहुत ही कम ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और जहाँ पर गाड़ी को ड्राइव करते हुए आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप अपनी गाड़ी को मैदानी इलाके में ड्राइव कर रहे हों। इस 6 किलोमीटर के सफ़र के दौरान आपके रास्ते में सबसे पहले आएगा सुनेहत। सुनेहत के बाद जो रास्ता है थोड़ा डाउनवर्ड साइड पर है
और उसके बाद आपके रास्ते में आएगा सेल्फी पॉइंट रेस्टोरेंट एंड डीलक्स ढाबा। इस जगह से जो वैली व्यू है बहुत ही प्यारा है, तो आप इस जगह पर रुककर अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेल्फी पॉइंट रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे निकलते हैं तो आपके रास्ते में आएगा लोअर सुनेहत। लोअर सुनेहत को क्रॉस करने के बाद अब तक हम इस जगह तक तय कर चुके हैं 20 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 13 किलोमीटर। और इस समय हमारे रास्ते में आई है श्री बालाजी हवेली, और इसके बिल्कुल साथ में है होटल रिवर व्यू रिजॉर्ट। जैसे ही आप होटल रिवर व्यू रिजॉर्ट को क्रॉस करते हैं तो आपके रास्ते में आएगा ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ 350 मीटर लंबा ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे देहरा में, और जहां से थोड़ी ही दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे इस चौक के ऊपर। इस चौक से जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है शक्तिपीठ ज्वालाजी की ओर, जो सीधा रास्ता है वो जाता है माता बगलामुखी कांगड़ा की ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है डेरा गोपालपुर की ओर। और इस चौक से जो शक्तिपीठ ज्वालाजी की दूरी है वो है 11 किलोमीटर, और माता बगलामुखी मंदिर की इस चौक से दूरी है 12 किलोमीटर। अब आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 12 किलोमीटर तक। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको नेशनल हाईवे को नहीं छोड़ना है। पहाड़ी इलाके में गाड़ी को ड्राइव करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आपको आगे से क्लियर रोड ना मिले तब तक आप अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक ना करें। इस समय हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है होटल पोंग्यू रेस्टोरेंट एंड बार, और इस जगह से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है 8.5 किलोमीटर। इस रोड के ऊपर भी बहुत ही कम ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और ये रोड काफ़ी हद तक बिल्कुल सीधा है। बस एक ही बात जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है कि जहाँ पर रोड बहुत ही कम चौड़ा है, जिसके कारण आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव नहीं कर सकते। और इस समय हम पहुँच गए हैं विलेज मानगढ़ में, और जहाँ से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 6.5 किलोमीटर। और इस जगह से जो हमारे राइट हैंड साइड में वैली व्यू हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आप भी अपनी गाड़ी रुककर जहां पर इन वैली व्यू का आनंद उठा सकते हैं। और इसके बाद आपके रास्ते में आएगा गेर मानगढ़, जो कि एक छोटा सा गांव है। मेरी ऐसी रोड ट्रिप की वीडियो बनाने के पीछे मंशा ये है कि जिन लोगों को पहाड़ी इलाके में गाड़ी ड्राइव करते हुए डर लगता है, उनको मेरी रोड ट्रिप की वीडियो देखकर आइडिया हो जाए कि रोड कंडीशन कैसी है, क्या वो ऐसी रोड कंडीशन पर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरू शुरू में मुझे भी पहाड़ी इलाके में गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैंने पहले छोटे छोटे रोड ट्रिप पर अपनी गाड़ी को ड्राइव किया, और आज की डेट में मैं पहाड़ी इलाके में अपनी गाड़ी को इजीली ड्राइव कर पाता हूँ। और इस जगह से जो माता बगलामुखी मंदिर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 3 किलोमीटर। माता बगलामुखी जी के मंदिर से 2.4 किलोमीटर पहले एक चौराहा आता है, जहाँ से आपको अपनी गाड़ी को स्ट्रेट लाइन में ड्राइव करना है माता बगलामुखी मंदिर की ओर जाने के लिए। और इस समय हम पहुँच गए हैं बानखंडी में, जो कि एक छोटा सा गाँव है। बानखंडी के बाजार से जो माता मंदिर की दूरी है वो है सिर्फ 800 मीटर। आपको इसी मेन रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है और आप पहुंच जाएंगे माता बगलामुखी मंदिर की पार्किंग के पास। फौजी ढाबा के पास है पार्किंग नंबर 1, जहां पर सफिशिएंट पार्किंग स्पेस है आपकी गाड़ी को पार्क करने के लिए, जहां पर जो कार पार्किंग फीस है वह ₹50 पर डे पर कार। माता बगलामुखी के श्रद्धालुओं के लिए एक और कार पार्किंग व्यवस्था है मेन रोड के ऊपर, जो कि मंदिर परिसर के बिल्कुल साथ में है। माता बगलामुखी को पीताम्बरी देवी कहा जाता है, अर्थात ऐसी देवी जिसने पीले वस्त्र धारण किए हों। यही कारण है कि आपको जहाँ पर सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देगा। मंदिर पीला, वस्त्र पीले, मंदिर में चढ़ने वाली मिठाई और चुनरी भी पीली। माता बगलामुखी को भारतीय 10 महाविद्याओं में से 8वां स्थान प्राप्त है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार पूरी दुनिया के रचयिता भगवान ब्रह्मा के ग्रंथ को एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल लोक में जाकर छिप गया। उस राक्षस का वध करने के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माता ने एक बगुला का रूप धारण किया और उस राक्षस का वध किया और भगवान ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटा दिया। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान किया गया था। त्रेता युग के दौरान माता बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी माना जाता था। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी माता बगलामुखी की युद्ध से पहले पूजा अर्चना की और रावण पर विजय प्राप्त की। इस मंदिर में शत्रुनाशिनी जग का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। इस मंदिर में कई नेता भी नेता अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के लिए जहां पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये था हमारा चिंतपूर्णी से माता बगलामुखी मंदिर तक रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।